एल्बम की दुनिया कह रही है कि कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अब आपने महारानी का प्रागट किया, महारानी का प्रागट किया, लेकिन मैं ये प्रीतम पागल, ये प्रीतम पागल महारानी का प्राकट्य करता है। देखिए कैसे कर रहा है, कैसे ये ग्रंथों ने कहा, कहा क्या इस गीत के बाद दो रात का मनोरंजन तेज है उमेश का, संग कमलेश का, भगवान विष्णु भी पीछे नहीं है। रहा रचनेश का, ब्रह्मा जी भी पीछे नहीं है। हुआ क्या निशा जी, जैसे आपके गीत में एक समस्या थी, वही समस्या लेकर प्रीतम आ रहा है। जब वो समस्या देखेगा, योग मागे व्यस्त का, तो अब देखिएगा छे नैना 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 छे नैना छे नैना 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 अब देखिएगा, आपने सवालिया गीत किया था, उसमें माँ के स्वरूप का वर्णन किया, सुंदरता बखान की, लेकिन ये जो गीत लेकर के आ रहा है, इसमें देखिए प्राकृतिक महामारी का कैसे हो रहा है। शिव तेज से मुखमंडल शिव तेज से मुखमंडल के यमराज से, क्या बात है, क्या बात है, भगवान शंकर के तेज से महारानी का मुंह बना और यमराज, यमराज के तेज से माता जी के बाल बने, और समझो संध्या से भैया भुजाए, देखिए महारानी अष्टभुजा है, आठ भुजा वाली है मैया, इन भुजाओं को बनाया किसने, किसने भुजाएं बनी बलशाली हरी बलराज से, चरण कमल माता जी को मिले नहीं है, अंशु है सुरेश का,
नैना तिर को परमश नहीं हमारे महाराज जी हमारे स्नेह में चले आए। मैं मन को किरदार समझ रहा हूं जहां पर इस दुख व्यक्ति को और एक कोई मठाधीश हो अगर उसका आशीर्वाद मिल जाए तब तो वो धन्य हो गया। इसलिए दूसरी बात अंतिम बात शिव के तेज से मुख माता जी का बना बाल यमराज के द्वारा भौहें संध्या से बनी और नागपुरी धनराज से हो जाए माँ को मिली बलराज से और चरण मात कमल माता जी के मिले ब्रह्मराज। देवताओं ने इतना बनाया माता के स्वरूप में योगदान दिया लेकिन लेकिन इंद्र भी बिचारे पीछे नहीं रहे। अंशु हंसु माँ के पद प्रवेश का इंद्रदेव के माध्यम से उनके तेज से महारानी के कट बना रूप दुर्वेश का मान समावेश का फिर वही समस्याएं गा रही है दूसरी बात अंतिम बात सुना बेटा नेत्रों में ज्योति माँ महारानी की आंखों में जो ज्योति आई कहां से आई कहां से नेत्रों में ज्योति माँ मिली अग्नि देव से शक्ति उंगलियों में माँ उंगलियों में शक्ति मिली जंगधाम में तेज मिला जंगधाम में तेज मिला माँ को वरुण देव से आंचल में शक्ति मिली माँ को चंद्र देव से माँ के प्रदेश का मिटा में क्लेश का दुष्टों के दोष का फल दुष्टों के द्वेष का और सफल उद्देश्य का। लेकिन निशा जी एक ही समस्या है मतलब जयकारा से रवालिदा हो सके दरबार की जय।
मान्य सम्मानी अरविंद दादाजी को। बहुत ही सुंदर था जवाब और सवाल के साथ। और क्या अब क्या बताएं दादाजी, कुछ कहने नहीं है। दादाजी जब मैंने गीत को पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने कहा दादा पहले पंक्तियों को सुन लेना। और क्या मैंने कहा कि राइटर महोदय विशेष ध्यान ना दिए, लेकिन कहीं हुई बात पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं बेटा वो लिखते सही है लेकिन उसे गलती कराया जाता है जबरदस्ती। और क्या जैसा वो कहेंगे वैसा लिख देंगे वो। मैंने कहा कि करूं मैं कपट पुस्तक ओ तो क्या बात क्या बात लोग भैया पूछे करने का मंडल पुस्तक दोनों भुजाओं में लिए धा रहे हैं और प्रातः कालीन वेला होती महान सुबह सवार तो अम्बुज से अरुणारे अधर्मा अम्बुज से अरुणारे अधर्मा मंद मंद मुस्काए माँ का जब रूप सजाए। अच्छे बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे। मैंने कहा कि माँ का जब रूप सजाए ये नहीं कहा कि माँ को यानी जब माँ का प्रकट हो रहा है। मैंने तीन बातें बताई थी एक प्रातः दूसरी मध्याह्न और तीसरी सायं। और आप जवाब क्या ला रहे हैं कि तीनों देव ने नजर जब नजर से नजर मिलाई और तीन रंग की वो थी कन्या और माँ का जग रूप सजाए। कुछ ना कहो बेटा इसका मतलब क्या हुआ समझिए जाने। चलो ये प्रथम चर्चा था आदरणीय दादा। आइए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है जनता समझदार है। बस 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 इतनी सी पंक्तियां पढ़नी थी परमात्मा जब रूप सजाए। हेलो 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 तो कहना क्या पड़ा क्या
बजा बजाए है छे नैना छे नैना छे नैना 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 और छे नैना दिल देव पे मिले हैं देव देव पे आज भी ज्यादा जी प्रयास सुनिए लड़े पर
बात है क्या बात है। ले सेना मातेश्वरी और लड़े परमेश्वरी, ले सेना सेना सेना, ले सेना सेना सेना, ले सेना जवाब यानी प्रयास। आइए अब अपनी ओर से छोटा सा